महावीर चक्र से सम्मानित जसवंत सिंह रावत की गाथा सुनकर आज भी हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और सरहद पर दुश्मनों का गला सूख जाता है। वही जसवंत सिंह रावत जिन्होंने लगातार 72 घंटे तक पूरी चीनी सेना की एक टुकड़ी का मुकाबला किया था और जिन्हें भेजने से पहले चीन को अपने 300 सैनिकों की प्राणों की आहुति देनी पड़ी थी। सन 1962 की जंग में अपनी विस्तारवादी जंग नीति को आगे बढ़ाते हुए चीनी सैनिक अरुणाचल की सीमा में घुस आए थे, पर वे इस बात से अनजान थे कि स्वयं मृत्यु के रूप में राइफलमैन जसवंत सिंह अपनी पोस्ट पर उनका कार बनकर उनका इंतजार कर रहा है। 17 नवंबर 1962 की सुबह सूर्य निकलते ही चीनी सैनिक सिलाटॉप के रास्ते अरुणाचल की तरफ चढ़ाई शुरू कर दी थी। अचानक हुई घुसपैठ वहाँ तैनात गरवाल राइफल के सिपाही तैयार नहीं थे, साथ ही संख्या बल में कमी होने के कारण पोस्ट छोड़कर पीछे हटने का ऑर्डर दिया गया। पर जसवंत सिंह रावत के खून में बचपन से ही उबाल था, ये भी थोड़ी ना कोई 17 साल की उम्र में फौज में भर्ती होने के लिए निकलता है। उन्हें वहाँ से हटना नामंजूर था, उन्होंने वही डटे रहने का फैसला किया। उनकी शौर्य गाथा लोगों को आज भी राम कहानी की तरह याद है। चीन पहले भी 3 बार इसी पोस्ट पर हमला कर चुका था, हर बार वे जवानों के आगे हार माननी पड़ी थी। जसवंत सिंह इस बार अकेले थे, इस बात से बेखबर चीनी सैनिक भारतीय सैनिक के पराक्रम से भयभीत थे, वो हर तरफ से हमला करने लगे। जसवंत सिंह को लगा इसी भ्रम का फायदा उठा जा सकता है। उन्होंने अपनी सूझबूझ से बंकर की हर तरफ राइफल रख दी, जरा जरा से अंतराल के बाद अपनी पोजीशन बदल कर फायर करने लगे। उनकी तरकीब काम कर गई, चीनी सैनिक उनसे निपटने में व्यस्त हो गए, जो कि असल में हुआ थी ही नहीं। लगातार 72 घंटे यानी 3 दिन तक भूख प्यास और नींद को त्याग कर जसवंत सिंह भारत माता के लिए बलिदान देने में लग गए। कहा जाता है कि उनसे साथ अरुणाचल की 2 लड़कियां शिला और नोरा भी प्रभावित होकर वे भी सेवा में काम देने लग गई थी और उन्होंने भी यह मोर्चा संभाला था। इन दोनों लड़कियों का सेना से दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, पर ये शायद जसवंत सिंह की बहादुरी थी जिसे देखकर वह खुद भी खुद को रोक न पाई। भीतर चीन के 300 सैनिक मारे जा चुके थे और इस तरफ के मोर्चे में सेला भी एक ग्रेनेड हमले में वीर गति को प्राप्त हो गई थी। जंग अभी भी जारी थी, जसवंत सिंह अपने सम्मान के लिए लड़ रहे थे। फिर जब नूरा जसवंत सिंह के लिए खाना लेने गई, उसे चीनी सैनिकों द्वारा गिरफ्तार किया गया। ना चाहते हुए भी नूरा को उनका यह सच बताना पड़ा। चीनी सैनिक यह सुनकर और भी बौखला गए कि 3 दिनों तक एक भारतीय जवान उनकी पूरी सेना को ऐसे जवाब कैसे दे सकता है और वो उसका कुछ नहीं कर पाए। चीनी सैनिक ने पूरी ताकत लगाकर पोस्ट पर हमला किया। जब जसवंत सिंह को यह लगा कि उसका भेद खुल चुका है, उन्होंने चीनी सैनिक को गिरफ्तार होने से अच्छा मौत को चुना। जसवंत सिंह ने एक गोली खुद के सिर पर मार ली और वीर गति को प्राप्त हो गए। बाद में चीनी सैनिकों ने जसवंत सिंह का सर धड़ से अलग कर दिया। बाद में भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को अपनी सरहद से खदेड़ने में कामयाब हो गए। चीनी सैनिकों ने युद्ध के बाद सम्मान से जसवंत सिंह का सिर भारतीय जवानों को वापस किया और एक प्रतिमा भी दी। जसवंत सिंह की याद में उनका मंदिर भी बनवाया गया है। कहा जाता है कि उनकी आत्मा आज भी सीमा पर सुरक्षा कर रही है। उनके कपड़ों से लेकर प्रमोशन तक सारी सुविधा दी जाती है जो एक जिंदा जवान को देते हैं। मुझे गर्व है कि मैंने भारत जैसी पावन भूमि में जन्म लिया और जहाँ पर ऐसे वीर जवानों ने जन्म लिया था। आपको यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना। जय हिंद।